सो वेलकम टू द 63rd एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज एंड आज हम बात करेंगे वन पंच मैन सीजन 3 की अपडेट्स, सोलो लेवलिंग का एपिसोड डिलेड, चेनसॉ मैन के ऑथर का नया एनिमे, गोजोस वॉइस एक्टर कैंसल्ड और भी काफी सारी चीजों के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले शाउट आउट टू ऑल द चैनल मेंबर्स फॉर जॉइनिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल। यू कैन आल्सो सपोर्ट बाय क्लिकिंग द जॉइन बटन। थैंक यू सो मच। पार्ट वन, एनिमे अनाउंसमेंट्स, ट्रेलर्स, प्रोमोज एंड मोर। ऑलमोस्ट 2 साल होने आए हैं और वन पंच मैन सीजन 3 का कोई भी अता पता नहीं है, बट फैंस अभी भी ये स्पेकुलेट करने में बिजी हैं कि अगला सीजन कौन एनिमेट करेगा। कई लोगों का मानना है कि वन पंच मैन का सीजन 3 भी मापा एनिमेट कर रहा है, तो कुछ लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वन पंच मैन के मांगा का यूसुके मुराता अपने नए स्टूडियो में ओपीएम सीजन 3 को प्रोड्यूस करेंगे। बट यूसुके मुराता ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि वो इसके सीजन 3 में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। वो अपने ही एक ओरिजिनल एनिमे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है जायुकी। तो एटलीस्ट एक अच्छी बात यह है कि फैंस का एक फॉल्स रूमर क्लियर हो चुका है और सारी फेक होप्स पर फुल स्टॉप लग चुका है। ऑल्दो इट इज स्टिल अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज फॉर द वन पंच मैन फैंस एंड होपफुली मापा वाला रूमर भी जल्द ही क्लियर हो जाएगा। सो हाल ही में टोहो एनिमेशन ने हाइक्यू द फाइनल मूवी डिसिसिव बैटल ऑफ द गार्बेज डंप का फाइनल ट्रेलर यूट्यूब पर स्ट्रीम किया है। इस ट्रेलर वीडियो में मूवी के थीम सॉन्ग ऑरेंज को भी शोकेस किया गया है जिसे परफॉर्म किया है स्पायर बैंड ने। माइंड इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। मूवी जापान में 16 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग दोनों ही सुसुमु मित्सुनाका ने किया है जो हाइक्यू एनिमे के पहले 3 सीजन्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। हाइक्यू मूवी जापान में रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते ही इसने स्ट्राइक्स मारने शुरू कर दिए हैं। इसने अपने फर्स्ट डे में ही 980 मिलियन येन अर्न किए हैं जिसके साथ ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनिंग इन जापान की लिस्ट में 4th नंबर पर आ चुकी है। फर्स्ट नंबर पर है डेमन स्लेयर मुगेन ट्रेन विद 1.26 बिलियन येन, सेकंड पर है वन पीस फिल्म रेड विद 1.23 बिलियन येन एंड थर्ड पर है जुजुत्सु काइसेन जीरो विद 1 बिलियन येन। तो पिछली न्यूज़ वीडियो की ही बात है जहां हमने चेनसो मैन के क्रिएटर तात्सुकी फुजिमोटो की वन शॉट मांगा लुक बैक के एनिमे एडेप्टेशन के रूमर्स की बात की थी जो कि अब ऑफिशियल हो चुकी है। हां, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि इस वन शॉट मांगा को एनिमे मूवी के फॉर्मेट में अडैप्ट किया जा रहा है जिसे डायरेक्ट करेंगे कियोताका ओशियामा जो इससे पहले काफी सारे पॉपुलर टाइटल्स पर एज अ डायरेक्टर एज अ की एनिमेटर काम कर चुके हैं। मूवी का की विजुअल और एक टीजर वीडियो रिलीज हुआ है जो कि रिवील करता है कि फिल्म 28 जून को जापान में रिलीज होगी। फुजिमोटो एक बहुत ही टैलेंटेड मांगाका हैं जिन्हें आए दिन यूएस और जापान अवार्ड्स और एप्रिसिएशंस दिए जा रहे हैं। उनके काम को क्रिटिक्स की सराहना और ऑडियंस का प्यार भर भर के मिलता है। उनकी लुक बैक मांगा एक आर्टिस्ट की लाइफ में होने वाली फियर्स और प्रॉब्लम्स को शोकेस करती है। तो गिंतामा की तरफ से एक मूवी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिवील किया गया है कि एनिमे में जो एक आर्क है कोर्सन ऑफ द नेशन उसे ही कंपाइल करके एक एनिमे फिल्म के फॉर्मेट में जापानीज थिएटर्स में स्क्रीन किया जाएगा। कंपाइलेशन फिल्म का टाइटल रहेगा द गिंतामा ऑन थिएटर 2D कोर्सन ऑफ द नेशन आर्क। स्क्रीनिंग जून में होने वाली है और ये एक लिमिटेड एंगेजमेंट स्क्रीनिंग होगी, यानी कि 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा ये मूवी थिएटर्स में लास्ट नहीं करेगी। इसके अलावा गिनपाची सेंसेई पर भी एक स्पिन ऑफ एनिमे एडेप्टेशन आने वाली है जिस पर अभी करेंटली काम चल रहा है। तो मिनाटो की वन शॉट मांगा जिसका नाम है नारुतो द वर्ल्ड विद इन की एक फैन मेड एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस की गई है। इस मांगा को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था और ये काफी सक्सेसफुल भी रही थी, लेकिन इतनी सक्सेस के बावजूद भी इसका कोई एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस नहीं किया गया था। तो फैंस भी लाइक आई डू इट मायसेल्फ। गैलेक्टिक रिपब्लिक नाम के एक स्टूडियो ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है। इस स्टूडियो ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू रिवील किया है कि इसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और वो जल्द ही इसके रिगार्डिंग फर्दर अपडेट्स रिवील करेंगे। गोजो सातोरू के वॉइस एक्टर युइची नाकामुरा को उनके सेक्सुअल जोक की वजह से फैंस और मीडिया के बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने GTA 5 के स्ट्रीट ग्राफिटी रोल प्ले के लाइव गेमिंग ब्रॉडकास्ट के दौरान फीमेल प्लेयर्स को लेकर कुछ सेक्सुअल कॉमेंट्स पास किए थे, लाइक अ लुक इनसाइड योर स्कर्ट, जिसे एक मीडिया वीकली पब्लिशर ने कवर किया था और काफी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस ने इस बात पर गुस्सा जताया, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ऐसा करके कितने लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया। वेरी बैड। तो निंजा कामोई एनिमे स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है। अब तक इसके 2 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस एक्शन एनिमे के पीछे संघू पार्क और उनका E&H स्टूडियो काम कर रहे हैं और एज एक्सपेक्टेड इसके एक्शन सीक्वेंसेस काफी हाई नोट पर जाने वाले हैं। संघू पार्क इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द ग्रेट एक्शन ऑफ जुजुत्सु काइसेन एंड गॉड ऑफ हाई स्कूल लाइक एनिमे। यस। और इसी के साथ फुजी टीवी ने अनाउंस किया है कि फेमस कोरियन वेबटून वायरल हिट को एक एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाली है जो कि अप्रैल से प्रीमियर होना शुरू होगी। इस मानवा के राइटर हैं ताएजुन पार्क और
आर्टिस्ट हैं किम जोंग वन। ताइजुन पार्क इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ वेरी पॉपुलर मानवा लुकिज्म। इसी के साथ साथ इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर और की विजुअल भी रिलीज किया गया है। एनिमे को मासाकाज़ू हिशिदा डायरेक्ट करने वाले हैं। स्टूडियो जिबली के थीम पार्क, जिसे जिबली पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो पब्लिक के लिए नवंबर 2022 में ओपन हुआ था, उसमें एक नए एरिया को ऐड किया गया है जिसका नाम है वैली ऑफ द विचेस, जिसका कमर्शियल फीचर हाउल्स मूविंग कासल रखा गया है। इसके प्रमोशन के लिए जिबली स्टूडियोज ने एक एनिमेटेड एड भी प्रोड्यूस किया है, जिसे हायाओ मियाज़ाकी ने खुद स्टोरी बोर्ड किया है। सोलो लेवलिंग का नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड 7.5 होने वाला है, जो कि एक रीकैप एपिसोड होगा स्टार्टिंग फ्रॉम एपिसोड 1-7। ये एपिसोड 24 फरवरी को रिलीज होगा एंड एपिसोड 8 का टाइटल है दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग, जिसे 2 मार्च के लिए शेड्यूल किया गया है। एपिसोड्स डिले होने का कोई भी स्पेसिफिक रीजन ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। इसके अलावा रेंट अ गर्लफ्रेंड के मांगा क्रिएटर रेजी मियाजामा की एक और मांगा द शियोंजी फैमिली की भी एक एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हो चुकी है। ये मांगा 2 ब्रदर्स और 5 सिस्टर्स के बारे में है, सो गेट रेडी फॉर सम मोर। Oh shit man, इस बार क्या सिस्कॉन। And now let's talk about Toyota. Yes, Toyota, वही कंपनी जो गाड़ियां बनाती है, अब अपनी गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए एक एनिमे बनाने जा रही है। इस एनिमे का नाम होगा ग्रिप। ये एक रेसिंग एनिमे है जिसमें टोटल 5 एपिसोड्स होंगे एंड इट इज हाईली इंस्पायर्ड बाय द क्लासिक रेसिंग एनिमे इनिशियल डी। सो अगर तुम इनिशियल डी के फैन हो या फिर तुम एक कार एंथुजियास्ट हो, देन दिस एनिमे इज फॉर यू। इसी के साथ साथ और भी कई सारे एनिमे हैं जिनके की विजुअल्स और रिलीज डेट अनाउंस किए गए हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो उन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, मांगास एंड लाइट नॉवेल्स। तो 19 फरवरी से री जीरो के 5th आर्क स्टार्स दैट एनग्रेव हिस्ट्री की मांगा अडैप्टेशन पब्लिश होना शुरू हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड ओरिजिनली एक लाइट नॉवेल है जिसकी मांगा अडैप्टेशन की जाती है कॉमिक वॉकर वेबसाइट के लेबल कॉमिक अलाइव प्लस के अंडर। और इस रिलीज को सेलिब्रेट करने के लिए कॉमिक वॉकर की इस वेबसाइट पर इसके 1st एंड 3rd आर्क को फ्री टू रीड रख दिया गया था 5 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। तो नेमुकी प्लस मैगजीन ने अनाउंस किया है कि वो मांगा का जुंजी ईतो की हॉरर थ्रिलर मांगा तोमी का नया वन शॉट पब्लिश करने वाले हैं, जो उनके मैगजीन के नेक्स्ट इशू में अपीयर होगा, जिसे 12 अप्रैल को पब्लिश किया जाएगा। तो इसी के साथ साथ शुएशा ने अनाउंस किया है कि मांगा क्रिएटर कारू होशिना अपनी एक ब्रांड न्यू मांगा ब्लास्ट ऑफ विंड एंड बीट 13 मार्च को लॉन्च करने वाली है। 2006 में उन्होंने किमी नो तोदोके फ्रॉम मी टू यू लॉन्च की थी, जिसके पूरे 18 साल बाद उनकी कोई नई मांगा सीरीज लॉन्च होने जा रही है। मांगा की स्टोरी होकाइडो के स्मॉल सी साइड टाउन के अराउंड सेट है, जहां एक मिस्टीरियस गर्ल एक लड़के से मिलती है और अपने आप को डिस्कवर करने के लिए एक मिस्ट्री फिल्ड जर्नी पर जाती है, अ जर्नी अबाउट फाइंडिंग वन्स ओन सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, एनिमे गेमिंग न्यूज। यस, सेगा ने हाल ही में डीमन स्लेयर स्वीप द बोर्ड गेम का एक न्यू ट्रेलर लॉन्च किया है, जो कि एक बोर्ड स्टाइल वीडियो गेम होने वाली है, जिसे निंटेंडो के लिए रिलीज किया जाएगा। इसके ट्रेलर में इसका कोर गेम प्ले विद सम मिनी गेम्स और हर कैरेक्टर के लिए एक यूनिक डीमन स्लेयर डाइस शोकेस किया गया है। गेम 24 अप्रैल को अमेरिका और यूरोप में और 25 अप्रैल को जापान में रिलीज होगी। साई गेम ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ग्रैंड ब्लू फैंटेसी रीलिंग गेम, जिसे 1 फरवरी को ही PS5, PS4 और PC के लिए वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था, उसने ओवर 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड कर दिए हैं। ये नंबर फिजिकल और डिजिटल सेल्स दोनों को इंक्लूड करके बताया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी कुछ अपडेट्स को मार्च तक टीज करने वाली है। इन अपडेट्स में कुछ नए क्वेस्ट्स और नए प्लेएबल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होंगे। तो पिछली न्यूज वीडियो में हमने हिडियो कोजिमा की गेम डेथ स्ट्रैंडिंग 2 के बारे में बात की थी, जिसे कवर करने में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो सेम न्यूज को हम करेक्शन के साथ इस न्यूज में कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम सिर्फ डेथ स्ट्रैंडिंग 2 की ही बात की थी, पर दरअसल यहाँ पर 2 अलग अलग गेम्स की बात हो रही है। जहाँ पहले बात करें डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑन द बीच की, तो इस गेम को 2025 में रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया है। कंपनी ने इसका एक एक्सटेंडेड ट्रेलर भी रिलीज किया था, जिसमें इसकी डिटेल स्टोरी, न्यू गेम प्ले फुटेज, इसकी सेटिंग के साथ साथ रिटर्निंग कैरेक्टर्स को भी शोकेस किया गया है। और इसके बाद डायरेक्टर कोजिमा के नेक्स्ट ओरिजिनल प्रोजेक्ट को भी रिवील किया गया है, जो कि एक एस्पियोनेज एक्शन IP होने वाला है। इसका प्रोडक्शन डेथ स्ट्रैंडिंग 2 के बाद शुरू होगा। नाउ लास्ट एंड द 4th पार्ट ऑफ टुडेज एपिसोड, एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया, लेट्स गो। नेटफ्लिक्स 15 फरवरी से वर्ल्ड ट्रिगर, वन पीस स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड फिल्म, वन पीस फिल्म जी और वन पीस एपिसोड ऑफ चॉपर स्ट्रीम करना चालू कर चुका है। इसी के साथ साथ आज से नेटफ्लिक्स पर अवतार द लास्ट एयरबेंडर की लाइव एक्शन एयर होना शुरू हो चुकी है। इसके फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड होने वाले हैं और हर एपिसोड की लेंथ ऑन एन एवरेज 55 मिनट्स होने वाली है। सो यू एब्सोल्युटली कैनॉट मिस आउट ऑन दिस वन। इफ यू आर गोइंग टू वॉच इट, देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये शो कैसा लगा। नाउ कमिंग टू क्रंची रोल, क्रंची रोल ने इस महीने कुछ एनिमे के हिंदी, तमिल और तेलुगु डब रिलीज
रिलीज किए हैं, जिनकी लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। नाउ अगर म्यूज एशिया की बात करें तो म्यूज एशिया फेरी टेल एनिमे की स्ट्रीमिंग 19 फरवरी से शुरू कर चुका है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड्स डेली बेसिस पर अपलोड हो रहे हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो देखने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो इंडियन एनिमे फैंस तैयार हो जाएं। नारुतो, नारुतो शिपुडेन, डेमन स्लेयर और ब्लैक क्लोवर जैसे बड़े शोनन एनिमे को हिंदी में देखने के लिए। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। एयरटेल इंडिया, यस, एयरटेल इंडिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने एक टीवी चैनल को टीज किया है जिसका नाम होगा एयरटेल एनिमे बूथ। ये टीवी चैनल पूरी तरह से इंडियन एनिमे फैंस के लिए डेडिकेटेड होगा, जिस पर 24 घंटे सिर्फ एनिमे एयर किए जाएंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। और जो एनिमे इस चैनल पर हिंदी में एयर किए जाएंगे उनमें से कुछ नाम है डेमन स्लेयर, नारुतो, नारुतो शिपुडेन, ब्लैक क्लोवर, कोची कामे, सार्जेंट किरोरो और निंजा बॉय रिंजार। एयरटेल एनिमे बूथ को एक्सेस करने के लिए आपके पास एयरटेल का सेटअप बॉक्स होना जरूरी है, और उस पर भी आपको एयरटेल डिजिटल टीवी सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उस चैनल को इंडिविजुअली भी परचेस कर सकते हैं, जहां ये आपको 55 रुपीज का पड़ेगा। वैसे तो इंडिया में एनिमे का इन्फ्लुएंस पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी जो टीवी वाली ऑडियंस है उनके लिए एनिमे तक पहुंचना उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। ऐसे में VH1 एनिमेशन और एयरटेल एनिमे बूथ जैसे इनिशिएटिव्स इस मीडियम की ऑडियंस को भी एनिमे का एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉमिक कॉन की डेट्स आ चुकी हैं फॉर मुंबई एडिशन। कॉमिक कॉन मुंबई 20 और 21 अप्रैल को होने वाला है, और ये होगा जियो वर्ल्ड सेंटर BKC मुंबई में। एंड लास्टली, आप सभी को तो डेमन स्लेयर रोड टू हाशिरा ट्रेनिंग की इंडिया रिलीज के बारे में पता चल ही गया होगा। अक्रॉस इंडिया ये मूवी 23 फरवरी को रिलीज होगी, बट हाल ही में क्रंचीरोल ने अनाउंस किया है कि ये एक दिन पहले रिलीज हो जाएगी, मे बी इवन बिफोर दिस वीडियो। तो अगर आप ऑलरेडी इस मूवी का लुफ्त थिएटर्स में उठा चुके हैं, देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड हाउ वाज द ओवरऑल थिएटर एक्सपीरियंस प्लीज। तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड अगेन अ वेरी बिग शाउट आउट टू ऑल द चैनल मेंबर्स। अगर आप चाहें तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द जॉइन बटन। नाउ एनिमे DM Talks 2.0 साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।